हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं वेब टीवी और फिल्मों की दुनिया का हर अपडेट। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूं रामयुग में, और ये रामयुग लेकर आ रहे हैं कुणाल कोहली। जी हाँ, फना मुझसे दोस्ती करोगे जैसी इतनी सारी फिल्में उन्होंने बनाई है, लेकिन वेब की दुनिया में अब ये रामायण और राम की कहानी को एक नए अंदाज में, यानी आज के ज़माने के अंदाज में लेकर आ रहे हैं। तो यूँ कहूँगा कि एक मॉडर्न अवतार है, एक नया इंटरप्रिटेशन है। तो कुणाल, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई लेकिन वेब में आप आए हैं, तो उस कहानी को लेकर जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हम सबके दिलों में बसती है, तो इसमें क्या नया पर लेकर आए हैं इस बार अपने नए शो में? देखिए जो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई मीन इसमें जो टेक्स्ट है, जो कहानी है, वो तो वैसी ही है, वो तो हम बता नहीं सकते, वो तो जैसी है वैसी ही है। बट हाँ, हमने जरूर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट कैमराज, लेटेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के साथ इसे बनाने की कोशिश की है। तो जैसे आप देखिए, अभी जो रथ जो पहले उड़ते थे हवा में, वो वी वुड एक्सेप्ट कि अच्छा ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं, तो रथ जो है वो ऐसे ही यू नो वी वुड हैव टू इमेजिन द रेस्ट कि अच्छा ठीक है। बट नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी टू मेक इट लुक मोर रियल, कि क्लाउड्स भी साथ में जाएं, सब कुछ यू नो ठीक से हो, हवा भी ठीक से उड़े। तो वी ट्राई टू यूज ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू से अ स्टोरी दैट वी ऑल लव। जो कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उसे हम बस थोड़े टेक्नोलॉजी और विजुअल इफेक्ट्स के साथ पेश करने की ये हमारी कोशिश है। दिस इज नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम ऑल द अर्लियर रामायण व्हिच हैव बीन मेड, व्हिच आर वंडरफुल, जो हमें भी बेहद पसंद है। जी, जब से इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, यू नो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो अच्छी बुरी हर तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन जितने भी कमेंट्स मैंने पढ़े, उनको लग रहा था कि आपने क्यों रावण का लुक बदल दिया, आपने राम को ऐसे क्यों दिखाया। ये जब भी कोई कोई सागा आती है, माइथोलॉजिकल, लोगों का यही रिएक्शंस होते हैं। तो वो उस तरह के रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, खासकर रावण के लुक पे बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं, बिकॉज दे परसीव रावण इन अ पर्टिकुलर वे दैट वी हैव सीन। व्हाट यू हैव टू से टू देम? आई थिंक देखिए, रावण के कई अलग रूप हैं। आई थिंक दिस ये पहली बार है कि रावण के जो 10 सर हैं वो लाइव एक्शन सर है। तो आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट सीइंग द गुड इवन इन रावण, इवन इन रावण सी द गुड, कि पहली बार किसी भी रावण के 10 सर जो हैं वो लाइव एक्शन सर हैं, वो हर सर कुछ कहता है, बोलता है, सोचता है, रिएक्ट करता है। तो वी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई थिंक जब लोग पूरा सीरियल देखेंगे तो लोगों को रावण भी पसंद आएंगे, ऐसा बोलना चाहिए कि रावण का किरदार भी अच्छा लगे। तो अब बताओ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपने बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया है, यू नो एवरी बिग नेम यू हैव वर्क्ड विद। तो जब आप ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे, तो आप कोई बड़ा सितारा ले सकते थे और ये प्रोजेक्ट और ज्यादा सितारों से सजा हो जाता, तो न्यू कमर्स को लेने की कुछ खास वजह, जबकि सितारे तो आपके सब आपके आंगन में ही है सब सितारे? नहीं, मेरे आंगन में कोई नहीं है। आइडिया ये था कि स्टार्स किरदार पर भारी ना हो, और किरदार जो है वो यू नो किरदार के रूप में ही हम देखें। जो कैरेक्टर है आप, हम चाहते हैं कि आप उस कैरेक्टर को देखें। तो इसलिए हमने शुरू से तय किया था कि हम न्यू कमर्स को लेंगे। जहां तक मुझे लगता है, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम नया टैलेंट भी पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि यू गेट कि आपको एक मौका मिले कि आप इंडस्ट्री के सामने, दर्शकों के सामने इतना सारा नया टैलेंट पेश करें। तो ये जो मौका हमें मिला है, लेट्स यू नो हैव लेट्स यूज दैट अपॉर्चुनिटी एंड गिव दीज पीपल अ चांस, गिव दीज न्यू कमर्स अ चांस। जी, योर फिल्म्स, आपकी जितने भी फिल्में होती हैं, स्केल उनका हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है। जनरली फॉरेन लोकेशंस में ज़्यादातर शूट होती हैं, मतलब विजुअली बहुत रिच होती हैं, चाहे फना हो, मुझसे दोस्ती करोगी हो, यू नो दे लुक सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। और फॉरेन लोकेशंस, जैसे आपका फेवरेट लंदन हमेशा होता है, तो इस बार भी आपने इस कहानी को भी इंडिया के बाहर आपने शूट किया है, अपेरेंटली मॉरिशस में शूट किया है। तो हाउ ब्यूटीफुल द बैकड्रॉप इज। कहानी को लेकर हम शूट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यू नो कहीं शूट करने की कोई चाह होती है या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। मॉरिशस में हमने दो तीन वजह से शूट किया। एक तो वहाँ की सरकार ने हमारी बड़ी मदद की, वहाँ की सरकार, वहाँ की बैंक्स ने हमारी बड़ी मदद की, दे हेल्प्ड अस अ लॉट इन द प्रोजेक्ट, एंड दे आर ऑल ऑफ इंडियन ओरिजिन,
ये भी आई मीन शायद कम लोगों को पता है, लेकिन मॉरिशस में आमतौर जो लोग हैं खास करके सरकार में, वो सब इंडियन ओरिजिन के हैं। वो अपने आप को छोटा इंडिया मानते हैं, वो कहते हैं कि हम छोटा भारत है। जी और उनके लिए और उनके दिलों में इंडिया के प्रति बहुत प्रेम और बहुत प्रेम है। तो द मॉरिशस गवर्नमेंट हेल्प्ड अस अ लॉट। और जिस टाइम पीरियड में हम शूट कर रहे थे, तो हम चाहते थे कि जो फॉरेस्ट एरियाज हों वो बड़े ग्रीन हो, बड़े ग्रीन दिखे। तो द फॉरेस्ट इन मॉरिशस आर वेरी ग्रीन, पानी बहुत साफ है, तो इसीलिए हम वहां गए थे, क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट भी मिला और कुछ लोकेशन हमें शूट भी किए। बट दैट्स ऑल, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि हमें फॉरेन कंट्री में शूट करना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं। ये रामायण पिछले आई थिंक जब से रामानंद सागर ने 35 साल पहले बनाई थी, उसके बाद हर सदी में टीवी पर तो रामायण आती रही, और आजकल बॉलीवुड में सडनली यू नो राम सेतु, और साउथ में भी फिल्म बनी, सडनली ये अचानक लोगों को अपना धर्म ग्रंथ याद आ रहा है, खासकर पिछले साल लॉकडाउन में, मतलब सबको देखते हुए 35 साल पुरानी रामायण देखी गई। तो ये क्या दिखा रहा है कि सडनली हम लोग क्यों अपने रूट्स की तरफ भाग रहे हैं? व्हाट यू फील अबाउट दिस सडन? आई थिंक हम कभी आगे हम कभी अपने रूट से अलग हुए ही नहीं थे। हाँ, और माइथोलॉजिकल टीवी के लिए तो हमेशा से बनते आए हैं। आप हमेशा देखिए टीवी पर, सैटेलाइट टीवी पर माइथोलॉजी तो बनते ही आ रहे हर विषय पर। तो आई डोंट थिंक वी एवर गॉन अवे फ्रॉम आवर रूट्स, वी ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद आवर रूट्स। हाँ, अब वेब आ गया तो वेब के लिए भी बनना शुरू हो गया है। तो इट्स जस्ट दैट, और अब टेक्नोलॉजी इज मोर एक्सेसिबल, इट्स ईजियर टू यूज, तो उस वजह से शायद लोग और फिल्में बना रहे हैं, अभी फिल्में भी बना रहे हैं, और ये अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू नो पीपल आर मेकिंग सब्जेक्ट्स ऑन बेस्ड ऑन आवर माइथोलॉजी। जी, तो थोड़ा आपने आप अपने किरदारों के और जो कलाकारों के बारे में हमें बताया, खासकर जो मुख्य कल जो हैं किरदार राम, सीता, लक्ष्मण और रावण, जो ये मुख्य किरदार हैं, तो कलाकारों ने जिन्हें आपने लिया है, दिगंत हो, यू नो अक्षय डोगरा हो, सब लोगों के बारे में उन्होंने कितना न्याय, कितना जस्टिस, कितनी मेहनत की है, और क्या था वो पूरा प्रोसेस शूटिंग का इन सबके साथ? सबने बहुत मेहनत की। विवान भट्ट है ना, जो हनुमान बने हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की उनके डायलॉग डिलीवरी पर, उनके फिजिक पर, उनके बॉडी पर, बिकॉज ही हैड टू लुक टफ। हनुमान वाज यू नो हनुमान, वो हनुमान जी का किरदार प्ले कर रहे हैं। मैं ये भी चाहता था कि जो रावण का किरदार जो प्ले करें वो जैसे पहले एक दो बार हुआ है, बट आई एम नॉट टू कंपेयर। मैं ये भी चाहता था कि जो रावण का किरदार प्ले कर रहे हैं जो एक्टर हो वो थोड़े फिट हो, बिकॉज यू नो ही इज फिट। और मैं ये भी चाहता था कि रावण के लिए उसके उनके जो 10 सर हैं वो लाइव एक्शन, ये नहीं कि 10 कार्डबोर्ड के यू नो नौ कागज के सर चिपका दिए और जो बात नहीं करे और बस वो ऐसे ऐसे घूमते रहे। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, जो विजुअल इफेक्ट्स टीम थी वो ठीक से पहले नहीं कर पाई, फिर हमने ठीक से किया, दोबारा किया तो अच्छा लगा। यू नो वी चेंज द टीम, वी डिड विद अ न्यू टीम, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो अभी जब आप देखेंगे लाइव एक्शन में जो बहुत अच्छे हैं, तो उस एक्टर को भी बड़ा मुश्किल था, बिकॉज ही हैड टू से समटाइम्स द सेंटेंस इन डिफरेंट वेज, बिकॉज और अलग अलग हमने उनके हर सर को, हर पर्सनैलिटी को एक अलग पर्सनैलिटी दी है। मतलब ये नहीं कि 10 सर जो हैं वो एक ही तरह से बात करते, एक थोड़ा शक्की है, एक थोड़ा लेजी है, एक थोड़ा गुस्से वाला है, एक थोड़ा सोचता बहुत है। तो ऐसे हमने रावण के 10 सरों को 10 पर्सनैलिटीज दी। ऐश्वर्या ओझा जो हैं, जिन्होंने सीता का किरदार प्ले किया है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, वो नई कलाकार हैं, और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस उन्हें एक मौका दें, एंड डोंट जज हर विद द पास्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द पास्ट एक्ट्रेसेस हु हैव प्लेड सीता, सी हर अफ्रेश। और उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम किया। दिगंत मंचले जिन्होंने राम प्ले किया है, वो भी उन्होंने भी बहुत मेहनत की, एंड ही इज डन अ वेरी गुड जॉब, एज हैज अक्षय डोगरा जो लक्ष्मण का किरदार प्ले कर रहे हैं। और ये नहीं, बाकी जो भी लोग हैं, टिस्का चोपड़ा, श्वेता गुलाटी, अनूप सोनी, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। जी जी,
अभी आपने कुछ 2 साल पहले खुद भी बतौर एक्टर डेब्यू किया था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी फिल्म भी डिजिटली देखी गई, तो हाउ वाज दैट जी एक्सपीरियंस? एंड एनी चांस ऑफ बिकमिंग एक्टर अगेन? एंड व्हेन आई सी यू बैक इन डायरेक्शन एज वेल ऑन फिल्म्स, आई मीन. नहीं, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी. वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आई थिंक आई विल स्टिक टू डायरेक्शन. आई एम हैप्पियर बिहाइंड द कैमरा. फ्रंट ऑफ द कैमरा अगर कोई जजिंग का कुछ ऐसा कुछ हो तो वो कर लेंगे, बट अदरवाइज आई विल स्टिक टू डायरेक्शन. जी, तो चलिए कुणाल, ऑलवेज आई हैव लव्ड योर फिल्म्स एंड वी वांट टू सी यू मोर. इतना ब्रेक मत लीजिए, आप आते रहिए, इस तरह से शोज नहीं, बनाते अभी रहिए, तो फिल्में बनाते आप रहिए. होपफुली आई विल नॉट टेक अ ब्रेक. इससे पहले मैंने लाहौर कॉन्फिडेंशियल किया था जी के लिए, अभी जी 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 राफ्टर के साथ आ रहा हूँ. इसके बाद आई एम डूइंग अ शो फॉर लायंस गेट, और भी एक दो प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं. तो आई डेफिनेटली डोंट वांट टू टेक एनी ब्रेक. यस, थैंक यू सो मच कुणाल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक थैंक यू यू सो सो मच. मच.